मनोज कांग्रेचुलेशन थैंक यू फॉर द प्रोग्रेस एंड ब्लॉग के लिए थैंक यू फ्रेंडशिप क्या कितना इंपॉर्टेंस है आपके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फ्रेंडशिप के लिए मतलब जमाने से फ्रेंडशिप की बात हो रही है लेकिन ध्यान से ब्लॉग में हमने आपकी फ्रेंडशिप को देखा फ्रेंडशिप सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है उसका रीजन है कि हम जब खून का रिश्ता तो आपको मिलता है घर के अंदर सारी चीजें फ्रेंडशिप फ्रेंड्स आप बनाते हो लाइफ में तो फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं और मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ किया उन लोगों ने और मैं फ्रेंड्स को सबसे ऊपर रखता हूँ उसका रीज़न ये भी है कि आपका कुछ भी शेयरिंग है ना तो उनसे ज़्यादा कोई आपके क्लोज नहीं होता तो इनफैक्ट राज भाई के साथ जब मैं ये कर रहा था राजकुमार राव भाई के साथ जब मैं ये सीरीज़ भी कर रहा था वो एक तो मेरे सीनियर है तो जहाँ से मैंने थिएटर किया है वहीं से वो भी थिएटर कर रहे हैं तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर भी था कि आप हमेशा होता है ना कि आपका एक सीनियर है जो एक बड़ी जगह पर अच्छा काम कर रहा है और आप इंस्पायर हो रहे हो आप चाहते हो कि उनके साथ काम किया जाए या उनकी तरह काम किया जाए और फाइनली ये मौका मिला उनके साथ करने के लिए और फ्रेंडशिप का हम वापस उसी पे जाएं तो फ्रेंडशिप बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं अगर मैं कभी भी बॉम्बे में एक ऐसा शहर है ना जहाँ पर आप बहुत जल्दी फील लोनली भी करने लगते हो क्योंकि आपके फैमिली दिल्ली में है या कहीं और रह रही है तो आपके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप उनके साथ शेयर करते हो अगर आप दुखी हो रहे होते हो तो आप उनके साथ शेयर कर रहे होते हो कभी आपको नर्वसनेस होती है आप उनके साथ शेयर कर रहे हो तो सारी चीज़ें वो फैमिली की तरह पार्ट प्ले कर रहे होते हैं स्पेशली इन बॉम्बे मेरे दोस्तों ने मेरे लिए बहुत कुछ उस तरह से किया सो आप राजकुमार राव सेम इंस्टीट्यूट से जी कुछ देखिए उन्होंने बाद में एफटीआई किया था जी 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 वो एसआरसी श्रीराम सेंटर से थे और उसके बाद वो क्षितिज रेपेट्री में थे जिनसे मैं भी हूँ तो इनफैक्ट उन्होंने जो प्ले किया था उसके बाद मैंने वही प्ले किया है जो वो रोल करके था वही रोल मैंने करा लेकिन हम मिले नहीं हुए थे उस तरह से हम लेकिन हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई क्योंकि सेम बैकग्राउंड से आ रहे थे सेम चीज़ें हमने फेस करी हैं लाइफ में तो वो एक अपने आप में बॉन्डिंग बना देता है इंस्टीट्यूट में आप लोग कभी नहीं मिले नहीं मेरे बहुत सीनियर है वो ओके तो वो अपना एफटीआई जा चुके थे उस समय मैं उस थिएटर ग्रुप में आया था तो लेकिन वही है कि आपके एक सीनियर जो ऑलरेडी काम कर रहा है और आपको इंस्पायर कर रहा है कि किस तरह काम कर सकते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि उनकी तरह काम करना राजकुमार राव ने आपने बताया कि जी गन्स एंड गुलाब के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जैसे आप शूट आपने शो भी देखा होगा जितने मजे शो देखते हुए आते हैं उतने ही मजे हम लोगों ने किए हैं और मैं राजकुमार भाई के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि उनसे ज़्यादा सिक्योर एक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है लेकिन उनसे ज़्यादा सिक्योर एक्टर कोई नहीं है कि आप जब काम कर रहे हो कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हो तो वो आपके साथ खड़े हैं कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने कुछ इम्प्रोवाइज करा है उन्होंने हेल्प करी है उसके अंदर और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये होना चाहिए कितना सही कर रहा है और वो सिर्फ मेरे साथ नहीं औरों के साथ वो सीन को लेकर बहुत ज़्यादा तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा राजकुमार भाई क्यों उस जगह पर है उस पोजिशन पर है और वो क्यों इतना बेटर काम कर पा रहे हैं वो हमेशा शो के बारे में सीन के बारे में उससे रिलेटेड ही बात चल रही है पूरा टाइम तो वो बहुत ही सीखने को मिला उस चीज़ से और हाँ और गन्स एंड गुलाब का जो जर्नी था वो वही है कि मुझे कास्टिंग बेस से कॉल आया मैं विक्रम वेदा शूट कर रहा था उस समय उसमें एक कॉप का कैरेक्टर है उधर गैंगस्टर का कैरेक्टर था दोनों बहुत अलग वर्ल्ड हैं और एक्टर के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि आपको डिफरेंट कैरेक्टर मिलने का मौका करने का मौका मिले तो उनका कॉल आया कास्टिंग बेस से मैंने ऑडिशन दिया और फाइनली उनकी तरफ से कॉल आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड और फिर फाइनली जब मीटिंग हुई तो मुझे बताया गया कि ये कैरेक्टर है और मैं बहुत खुश था कि यार बहुत क्योंकि मेरे फेवरेट डायरेक्टर राजन डी के 99 फिल्म हो शोर इन द सिटी हो या गो गो गॉन हो वो देखा भी हमने फर्जी है फैमिली मैन है मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं यार क्या वर्क है मतलब जिस तरह का उनका टेम्परमेंट है काम करने का आपको समझ में आता है कि क्यों राजन डी के हैं तो वो मैं अभी भी कह रहा था गो गो गॉन ऐसी फिल्म है जो आप पलट कर देखना चाहते हो ना कभी भी आपका मूड ऑफ होता है तो आपके तो गो गो गॉन देख लेते हो कुछ कल्ट फिल्में ऐसी होती है जिसे देखकर आपको हमेशा मजा आता है तो वो वैसी वाली फिल्म है मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म और तो ये उनके साथ काम करके इसलिए बहुत मजा भी आया नहीं शूटिंग के दौरान ही मैंने बोला उनसे कि मैं क्षितिज से हूँ और ये प्ले करा मैंने और उन्होंने फिर हमारी और बॉन्डिंग हुई उस तरह से बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इम्प्रोवाइजेशन वगैरह में इसलिए भी हेल्प भी मिला है क्योंकि सेम दुनिया से बिलोंग करते हैं जो थिएटर बैकग्राउंड हो गया या दिल्ली हो गया वो दोनों का एक
सात का है। तो अभी मेरा पूजा मेरी जान नाम की फिल्म है, मैड डॉग की, वो है जिसमें बहुत ही अलग इससे अलग डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर है जो मैंने प्ले करा है। और उसके बाद आ रहा है कि मैंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म करी है दुशु नाम से, वो आएगी फेस्टिवल के रन के लिए गई हुई है। और अभी मैं शुरू कर रहा हूँ पान पर्दा दादा, जो मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, उनके साथ में, तो वो शुरू कर रहा हूँ। क्राइम थ्रिलर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरह से आने वाली है, और बहुत ही अलग कैरेक्टर जो मैं अभी तक प्ले कर रहा हूँ उससे बहुत अलग है, तो मज़ा आएगा करने में। तो मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा शूट, तो उसी का वेट चल रहा है। आपको जितना भी आपने काम किया इंडस्ट्री में, मैंने देखा आपको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला जी, आपके किरदार को भी बहुत पसंद किया गया है, लेकिन जैसे और जो आप करने वाले हैं जी, सो कैसे देखते हैं आप इंडस्ट्री में, जब से आप आए हैं बैक टू बैक काम कर रहे हैं, बहुत प्यार मिला, कैसे देखते हैं आप इस इंडस्ट्री को, क्या कुछ कहना चाहेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, हम जो आना चाहते हैं एफटीएस जी 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 जो जूनियर वाले जी जी जी, सबको क्या मैसेज देंगे लास्ट? मैं यही मैसेज दूंगा कि यार आप मेहनत करो और करते रहो, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट का यही है कि अगर आप टैलेंटेड हो और आप सच में हार्डवर्क के साथ ऑनेस्टी के साथ काम करो, आपको काम मिलेगा, काम की कोई कमी उस तरह से नहीं है, लेकिन आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा काम को लेकर। आप वो नहीं कर सकते कि मैं किसी तरह से, आपको अपना प्रेजेंट करना पड़ेगा, कि मैं ये नहीं कह सकता मैं शाहरुख सर जैसा बनना चाहता हूँ या बच्चन सर जैसा बनना चाहता हूँ, आपको अपना नाम अपनी जगह अपने साथ लेकर आना पड़ेगा, चाहे वो पंकज सर हों या नसीर साहब हूँ या इरफान सर हूँ, इन लोगों ने जितना इंस्पायर किया है आपको एक जगह से उठकर दूसरी जगह आने पर, उन्होंने जो अचीव किया है, तो आप उनकी जर्नी से इतना इंस्पायर होकर ही आ रहे हैं, मैं भी उन्हीं की जर्नी से इंस्पायर होकर ही आया हूँ। तो अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, अब देखते हैं कहाँ तक जाएगी। चलिए, गुड लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर।